गाइस मैंने टाइगर ले लिया है और मैं तो बुक में भी आ रहा हूँ। देख ही जा रहे हो, पढ़ भी लो। और उसके अलावा मैं यहीं पे हैप्पी बर्थडे भी मना रहा हूँ। और उसके अलावा मैं समंदर पे भी आ चुका हूँ। और सबसे अहम बात कि मैं पुराने जमाने की टीवी पे भी आ रहा हूँ। आप भी आना चाहते हो, सब जगह पर घर बैठे मुफ्त में सारी चीजें पाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। एक एक चीज आपको मिल जाएगी इस वीडियो में, भले छोटी ही है लेकिन एक एक चीज आपको मिल जाएगी। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक वॉच कर लेना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पहले एक बात सुन लो, ठीक है? बहुत दिन हो गए, अच्छा सपोर्ट नहीं आ रहा आप लोगों का, तो जाओ लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना, वरना फिर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा मेरी वीडियो का। सही है, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। तो फिर आओ स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ये सारी चीजें कहाँ से ले सकते हो भी बिना इन्वेस्टमेंट के? आ जाओ फिर दिखाता हूँ आपको कहाँ से ले लेते हो। आ जाओ, कंप्यूटर स्क्रीन में मिलेगा सब कुछ आपको। गाइस वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस अगर आपने छोटा सा क्लिप अगर मिस कर दिया हो तो इसको आप दोबारा से देख लेना जो मैंने पहले लगाया था, क्योंकि आपको उसके ना बहुत ज्यादा मजा आया होगा। मैंने ये छोटा सा क्लिप आप सबके लिए करा था और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में अपन लोग सीखने वाले हैं कि फ्री में कहाँ से चीज़ें अपन लोगों को लेनी है, और उसके साथ साथ क्रोमा की। ये ज़्यादातर क्रोमा की के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो क्रोमा की सीखेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत ईजी है, शॉर्टकट वीडियो एडिटर पे होगी और छोटी सी चीज़ आपको मैं बनाना सिखा दूंगा शॉर्टकट वीडियो एडिटर पर, कि आप किस तरीके से क्रोमा की को ऐड कर सकते हो। अभी क्रोमा की क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है क्रोमा की के बारे में, टैक्स कैसे ऐड करना है उसके बारे में, एंड स्टाइलिश टैक्स कैसे लगाना है, ठीक है? वीडियो आपने नहीं देखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी वॉच कर लें आप सब। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर बढ़ते हैं और सिखाते हैं डिजाइन। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये शेयर आपको काट लेगा, सब्सक्राइब का बटन दबा देना। गैस इसको ना आप इग्नोर कर देना, ठीक है? तो ग्रीन स्क्रीन जहाँ पर भी आपको लगानी हो उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग ले लेना, ठीक है? तो मुझे ये वाली एक वीडियो ले लेना है जिसके ऊपर मुझे ऐड करना है ग्रीन स्क्रीन। तो यहीं से मैं उठा कर यहाँ पर ड्रैग कर दूंगा, आपका जो वीडियो वो आप ले लेना, ठीक है? तो सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूँ ये कितना बड़ा वीडियो है, कितना बड़ा एरिया है, ठीक है? तो लाइक मैं यहाँ से जो है ये वाला फुटेज हटा के यहाँ तक कर लेना चाह रहा हूँ, स्प्लिट कर दूंगा एंड माइनस कर दूंगा, ठीक है? तो ये इतनी चीज़ है जो मेरे को लगानी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक ओपन कर लेता हूँ फाइल, जो कि ये वाली होगी मेरी ओल्ड, यानी कि ओल्ड वाली जो है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, जितना मुझे एरिया चाहिए होगा मैं उतना एरिया यहाँ से लेके यहाँ पर राइट क्लिक करके ट्रैक ऑप्शंस पे जाता हूँ एंड ऐड ट्रैक वीडियो पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ से एंड जहाँ पर मुझे करना है तो वहाँ पर मैं ले जाता हूँ। ये बेसिकली मैंने ये सारी चीज़ें यूट्यूब से डाउनलोड करी हुई हैं, तो ये वाली चीज़ जो है मैं इसको उठाकर यहाँ पर मूव कर दूंगा, ठीक है? ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी मैंने इसको। अब यहाँ पर मुझे लगा देना है एक फ़िल्टर, ठीक है? ये इस तरीके से आपको देखना पड़ेगी, ठीक है? तो यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ, वैसे छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, तो सिंपल आपको यहाँ से इस तरीके से देखना पड़ेगा। आपकी जो भी वीडियो है वो आप लगाना चाह रहे हो यहाँ पर कि मैं भाई टीवी के अंदर आऊँ, तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाली को सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा, प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्रोमा। यहाँ पर अभी अपन लोग यूज़ करेंगे क्रोमा की सिंपल वाली, ठीक है? तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा क्रोमा की पर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैकग्राउंड कैसा हो चुका है, ठीक है? तो ये अगर आप लोग चाहो तो यहाँ से थोड़ा सा एडवांस सेटिंग है, डिस्टेंस जो जो चीज़ ये है इसके अंदर डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस तो आप इसको अपने पास से चेंज करो, और यहाँ से ठीक है ये सब कोई डिफ़ॉल्ट ही रहने दो। और उसके बाद यहाँ से अगर आप लोग कुछ चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग भी कर लो, सिलेक्ट रहने देना। तो यहाँ पर अपनी ये वाली जो वीडियो है वो हो रही है ख़त्म, तो मैं क्या कर लूँगा इस वाली वीडियो को भी यहीं पर स्प्लिट करके माइनस कर दूँगा, ठीक है? अब क्या कर लेना है, यहाँ पर अपन को एक ऐड कर देना है अपना जो है म्यूज़िक, ठीक है? तो यहाँ से अपन ये ले लेते हैं, ठीक है? जैसा भी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने इसको ले लिया, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। तो ये एक चीज़ गलत हो गई, आप चेक कर सकते हो, ठीक है? तो ये इस तरीके से करना, राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको ट्रैक ऑप्शन करने जाना, सबसे पहले आपको ऐड कर लेना है ट्रैक को, ठीक है? यहाँ पर ऑडियो का आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ओपन करूँगा अपना जो है म्यूज़िक, ठीक है? तो म्यूज़िक को मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर, ठीक है? एंड फर्स्ट ले चुके हैं हम,
और यहाँ से आप प्ले करके चेक कर सकते हो। उसके अलावा ये जो हमारा टीवी है इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से मैं और इफ़ेक्ट डालना चाहूँ तो और डाल सकता हूँ, जैसे कंट्रास्ट होती है तो कंट्रास्ट मैंने यहाँ पर सर्च कर दिया तो यहाँ पर आ चुका है। कंट्रास्ट बढ़ाना चाह रहे हैं या भी कम करना चाह रहे हैं, जिस तरीके भी आप करना चाहो वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हो। अब आ जाता है नया इफ़ेक्ट ह्यू ब्राइटनेस ह्यू लाइटनेस सैचुरेशन वाला, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ह्यू लाइटनेस सैचुरेशन और इसको भी आप लोग चेंज कर सकते हो। बेसिकली ये वाला जो टीवी है आपका फ्रेम ये चेंज होगा ठीक है इस कलरिंग से, तो ये भी अच्छा है ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ईजिली कर सकते हो। उसके अलावा आपको पास सैचुरेशन का भी ऑप्शन है जो कि आप ईजिली बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। तो ये देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा अपने पास जो है वो एक इफ़ेक्ट आ जाएगा ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इस म्यूज़िक को भी स्प्लिट कर दूँगा ठीक है। तो स्प्लिट कर देने के बाद यहाँ से डिलीट कर देना है, म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेना है, स्प्लिट पे क्लिक करना है और यहाँ से माइनस कर देना है। अब उसके बाद आपको मैं सुना देता हूँ, ये म्यूज़िक भी ऐड है तो इन दोनों की मैं सबसे पहले वॉल्यूम को बंद कर देता हूँ, स्पीकर ऑन कर लेता हूँ, अब सुनाता हूँ आपको ठीक है गाइस। तो अगर यहाँ पर आप लोग एंड के ना देखो तो ये इस तरीके से हो रहा है, तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा इसको जूम कर लूँगा और आप लोग देख सकते हो कि ये किस तरह का है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँगा, नहीं होगा तो मैं इसको क्या कर दूँगा इसको स्प्लिट कर दूँगा, सिलेक्ट करके यहाँ से मैंने कर दिया इसको स्प्लिट। अब आप लोग चेक करो कि अपनी परफेक्टली हो गई है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा सारी चीज़ें फ्री में लेने का आइडिया, जैसे कि आप ग्रीन स्क्रीन को यूज़ करो। और ये आपको वीडियो कहाँ से मिलेंगी, जाओ यूट्यूब पे सर्च करो ग्रीन स्क्रीन वीडियो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, एक नहीं बल्कि दर्जनों के ना प्लेलिस्ट भी मौजूद हैं इसके ना, जहाँ पर आपको हर किसी की मिल जाएगी वीडियो। तो वहाँ से जाओ क्लिक करो, जाओ कहीं से भी आप उसको डाउनलोड करो, कोई सी भी एप्लीकेशन हो वेबसाइट हो जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो उसको यूज़ करो और आप कहीं पर भी जा सकते हो ठीक है। आपको हर चीज़ मिल जाएगी वहाँ पर, आप कुछ भी लगाना चाहो एक्स वाई जेड आप उसके ना यूज़ कर सकते हो। एंड आई होप आपको ये वाला जो ट्यूटोरियल है वो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और अगर आया तो लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना। और पहले मैं आपको ये बता देता लेकिन अब आप मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें फेक थी, क्योंकि ये एडिटिंग का कमाल होता है, आप एडिटिंग कर लेते हो तो आप सब चीज़ आपके लिए ईजी हो जाती है, आप कुछ भी चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हो, क्रोमा की करके उसको बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो और वो आप अपनी स्क्रीन पर ऐड कर सकते हो। एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में नया एंड प्रोफेशनल किस्म का ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।